वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज हम जा रहे हैं एक सोलो ट्रिप पे। आपको पता तो चल गया होगा कि हमारे टाइटल से कि हम आज क्या करने वाले हैं। तो बस जाएंगे, एंजॉय करेंगे। हमारे हस्बैंड काम पे हैं तो हम सोलो ट्रिप पे जा रहे हैं। ये मेरा प्री बर्थडे सेलिब्रेशन मैं करने वाला हूँ खुद ही से। तो अभी के लिए फ़िलहाल हमेशा की तरह मैं पहाड़ कर रही हूँ। और तो जो है पहले दिन मेरे को जो है ना अपनी टांग डुलवाई। बाय द वे एक मजे की बात बताऊँ, मजे की बात नहीं मतलब मुझे तो डर लगता है, मुझे नहीं पता आप लोगों को लगता है कि नहीं लगता, लेकिन ये जो जब हम स्टेयर्स उतरते हैं ना तो स्टेयर्स के आसपास में ना वो रेप्टाइल जैसी चिपकली होती है ना, क्या 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 नाम होता है उसका, वो जो काली वाली होती है। और अरे कहना क्या चाहते हो? लॉ वो जो है ना सुबह सुबह ना ऐसे घूम रही होती है और जो है ना फिर कोई आता है ना तो वो इधर उधर भाग जाती है, मतलब जब उस पर नजर। और इतनी बड़ी बड़ी होती है वो, इतनी खतरनाक होती है, मुझे उससे बहुत डर लगता है। और मैं आज भी मेरे मजाक उड़ाते रहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए अगर आपको उस वाली चुपकली से डर लगता है कि नहीं। और फिलहाल के लिए वीडियो को देखते जाइए। अभी मैं बस पकड़ने वाली हूँ तो मैं लेट हो जाऊँगी, मुझे बस लेके जाना है। सबसे पहले एक मज़ेदार जगह पे लेकर जाएंगे आपको, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जो आ रहे हैं। सही है, ये अपने देसी लोग हैं, सही है जी। और गुजारा वगैरह करने के लिए अगर उन्हें कुछ चीज़ें चाहिए तो हम आपको दिखाएंगे कि हम आप वो कहाँ से ले सकते हैं, ठीक है जी, अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए आ रहे हो। तो लेट्स गो। वन आवर लेटर। तो बस हमने पकड़ी थी, अभी मैं उतर की थी यहाँ पे, ये एस्टोरिया एम करके बस स्टॉप था तो वहाँ पे मैं उतरी थी। और सामने ये एस्टोरिया जो है होटल बना हुआ है, लॉफ्ट ऑफ एस्टोरिया करके। फिर वहाँ से मैंने सबवे क्रॉस किया और मज़े की चीज़ मुझे यहाँ पे एक बढ़िया मज़े का हिडन जैम मिला, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो सामने हमारे यहाँ पे ना एक चिमनी केक करके बहुत मशहूर सा एक डिज़र्ट कह लो या कुछ ऐसा, बस जैसे क्रोसो होता है ना वैसा वो भी होता है, तो ये उसकी शॉप थी। तो यहाँ पे इतना सस्ता मिल रहा था सिर्फ 700 फॉरेन का, मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली 7 दिरहम, वरना ये नॉर्मली यहाँ पे आपको 2,500-3,000 से कम का नहीं मिलेगा, मतलब कि 2,500 फॉरेन या 3,000 फॉरेन का मिलेगा। लेकिन ये सबवे में मुझे देखा तो मैंने फ़ौरन चीज़ को ग्रैब कर लिया। और उसके बाद फिर आपको बताते हैं कि ये कैसा था खाने में। मैंने इसे पहले ये खाया है लेकिन इतना सस्ता मैंने अभी यहाँ पर पहली बार खाया। हम एस्टोरिया एम के सबवे के पास घूम रहे और मुझे एक हिडन जेम में ये मिला, और ये चिमनी केक होता है, ये हंगेरी में बड़ी फेमस चीज़ है। तो नॉर्मली इसके ऊपर आइसक्रीम डाल के देते हैं, बट ये जो मिला था ये लोग सिर्फ ये चिमनी केक ही दे रहे हैं। इसको ट्राई करते हैं, पता नहीं ये खास से कैसे करेंगे। तो मैं नाश्ता नहीं किया था, तो अगर आपने नाश्ता नहीं किया और कुछ मीठा मीठा खाना है तो आप ये खा लो, मज़ेगा। और मेरे एयरपोर्ट की चार्जिंग से। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जब भी आप बाहर जाएं तो अपना पानी अपने साथ लेके जाएं। अच्छा जी, साथ साथ आपको एक काम की इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि आपको बुडापेस्ट गो डाउनलोड कर लीजिए, ये स्क्रीन पे भी आपको दिखेगी ये एप्लीकेशन, आप डाउनलोड कर लो और यहाँ पे आप इजीली इससे ट्रैवल कर सकते हो। टिकट बुक होता है और इससे फिर आप एक टिकट को एक बार आप यूज़ कर सकते हो। और ये वो प्लेस है जहाँ पे आप थ्रिफ्टेड चीज़ें ले सकते हो और जो बहुत सस्ते में मिलती हैं, तो इसमें चलेंगे। यानी बड़ी मज़े की जगह थी, यहाँ पे आपको सस्ते में सब कुछ मिल जाएगा, इन सारी चीज़ों का एक ही रेट था। यहाँ पे ये लोग ऑफ़र लगाते हैं तो आपकी लक है, अगर किसी दिन आप जा रहे हो तो यहाँ पे आपको 10 दिरहम का भी मिल जाएगा, 15 का भी मिल जाएगा। इन जनरल ये बड़ा सस्ता स्टोर था। भाई साहब, शॉपिंग अभी मैंने कर ली और अभी मैं बैठ गई हूँ वैसी, बस सीधी शॉपिंग, कुछ मिला तो खाएंगे मज़े का रेस्टोरेंट से। अगर कुछ खाना बताए फिर भाई साहब, आप पेश की साइड पर आए और आपने लिटिल मेलबर्न ट्राई नहीं किया तो फिर क्या ही बात है। तो फिर जल्दी से हमने लिटिल मेलबर्न से कॉफ़ी ली और कॉफ़ी वाकई बहुत मज़े की थी इनकी, तो अगर आप यहाँ पर आओ तो लाजिम इनका कॉफ़ी ट्राई करना। मेरी बहन छोटी थी ना तो उनका स्कूल होता था ये ब्लू बर्ड,
ये मेरी बहनों के लिए कि अब उनका स्कूल के नाम का रेस्टोरेंट भी खुल गया। इधर भी है ब्लू बर्ड, फनी है ये बहुत ज्यादा। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। आप लोगों को ऐसा लगता है क्या, देखो थोड़ी सी फैंसी गाड़ियां जा रही है यार, आप लोगों को ऐसा लगता है क्या कि यूरोप की जितनी भी कंट्रीज होती है ना वो सारी एक जैसी लगती है? मेरे को लगती है। कॉफी मैंने पी ली है और अभी मैं जा रही हूँ आपको एक हलाल रेस्टोरेंट पे लेके, तो वहाँ पे खाना काफ़ी सस्ता है, तो अगर आपको यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, यहाँ पे आ रहे हो, सस्ता खाना खाना है, हलाल खाना है, तो यहाँ पर जाना। रेस्टोरेंट अगर आप वहीं पहुँच के बताएंगे, और मुझे नहीं पता वहाँ का खाना कैसा होगा, तो आपके साथ साथ हम भी एक्सपीरियंस करेंगे और बताएंगे, मतलब कि मैं अकेला मेरी सोलो ट्रिप के ऊपर। सही है जी। और मेलबर्न की कॉफ़ी मुझे तो बहुत अच्छी लगी। अब मुझे ये नहीं पता कि एग्जैक्टली मेलबर्न में कैसी होती है, कभी गए नहीं तो कैसे पता होगा, तो जब जाएंगे तो कंपेयर करेंगे। फिलहाल के लिए मेरी कॉफ़ी बहुत मज़े की थी, तो अगर आप यहाँ आओ तो ज़रूर ट्राई करना, ठीक है? और चलते चलते हमें मज़े मज़े की पेंटिंग दिख रही थी, ये 1973 में किसी ने बनाई थी और बहुत मज़े की लग रही थी। और बाय द वे हम रेस्टोरेंट पहुँच गए थे, ये हलाल रेस्टोरेंट था एट लास्ट, फाइनली। So what do you have today? Do you have chai somehow? Yeah. अभी हमने खाना ऑर्डर कर दिया और ये है इनका मेन्यू, और इतना सारा महंगा भी नहीं, मतलब लास्ट टाइम मैंने इंडिगो रेस्टोरेंट से ट्राई किया था वो काफ़ी महंगा था, मतलब कंपेयर टू प्राइस। और ये जो है, मतलब इनका जो समोसा है वो आपको यहाँ के हिसाब से इतना महंगा नहीं पड़ेगा, मतलब 8.94 इज़ लाइक 8-8.5 दिरहम का समोसा। और मतलब अगर आपको बहुत ज़्यादा आपको रेस्टोरेंट में जाके हलाल खाना है ऐसा कुछ है, सो देन आप यहाँ पर आ सकते हो। इनके पास थाली वगैरह तो नहीं है, मतलब सेपरेट आइटम है, तो मैंने इनके पास से बीफ बिरयानी और एक समोसा लिया है और बाद में हम चाय पी के। और मुझे बहुत गर्मी लग रही थी तो मैंने उनको बोला कि मेरे पंखा लगा दी, मैंने मेरे पंखा लगा दी। और हाँ, हाथ धोने वाली जगह बहुत ज़्यादा ड्रोनी सी थी, तो बस यही है। और समोसा आ गया था यार, समोसा देखिए मेरे को एडिशनल खुशी हो गई थी, काफ़ी टाइम बाद समोसा खा रहा था मैं, बड़े मज़े का था। रायता थोड़ा इनका खट्टा सा था, मतलब मैंने खट्टा वाला रायता बहुत कम खाया है, लेकिन इनका खट्टा वाला रायता था। फाइनली खाना आ गया था और मेरी बातें हमेशा की तरह फिर से स्टार्ट हो गई थी। इट इज़ मोर लाइक माई हस्बैंड लाइक साउथ इंडियन बिरयानी, लाइक चेन्नई बिरयानी specifically. So most of the South Indians, they like most or biryani, and we had lot of. Have you tried Chennai biryani? Yes. It's very nice. If you haven't tried. We had lot of guests from the south. Huh? Because their biryani is exactly like this, not similar to this. I don't know if you guys also use a lot of garam masala, right? Yes. They also use garam masala. In our खाना बहुत मज़े का है, अब मैं इसको मज़े से खाऊंगी, सही है? और इसके बाद आपसे बाद में मिलती हूँ, बहुत मज़े का है। मैं थोड़ा सा बातें करके भी ठंडा कर दिया, बट बहुत मज़े का। अब हमने खाना खा लिया और चाय चाय पी ली, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और अब हम चेन्नई चेन ब्रिज, मतलब के डेनियो वाले चेन ब्रिज की तरफ जा रहे हैं, और चार्जिंग फोन की ख़त्म हो गई है, तो अगर जब तक बचेगा तब आपको दिखाएंगे, सही है जी? और सबसे मजरी में पागल हो गई, सही है? तो फिर आपको दिखाते और आप इंजॉय करें। और एक मज़े का टिप देती हूँ कि अगर आप बुदापेस्ट घूम रहे हो ना,
यार आई गेस आप कोई भी यूरोप का कंट्री अगर घूम रहे हो ना, तो आप उसको चल के एक्सप्लोर करो. आपको पीछे बहुत मज़े मज़े की जो है ना पेंटिंग्स दिखेंगी, बड़े मज़े मज़े की क्या बोलते हैं उसको, लोगों ने कुछ भी पेंट किया हुआ था यहाँ पे, बड़े मज़े का लगता है. बाकी बुदापेस्ट जो है वो हिस्टोरिकल प्लेसेस और आर्किटेक्ट के लिए मशहूर है. तो ये एक सामने अभी जो आप बिल्डिंग देखोगे, ये सेंट बेसिलिका चर्च है और ये काफ़ी पुरानी है. इसका सेंचुरी मैं भूल गई हूँ कि कितने सेंचुरी में बना था, लेकिन बुदापेस्ट बेसिकली हिस्टोरिकल बिल्डिंग और आर्किटेक्ट की वजह से मशहूर है. और वाकई अगर आप इसको सामने से देखो ना, अगर रियल में आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि वाव, मतलब वाव, इतना ज़्यादा अच्छा कंस्ट्रक्शन हुआ हुआ है इसका. मतलब एक एक डिटेल, अब जैसे कि अंकल देखो कितने प्यारे लग रहे थे, मैंने कहा इनको भी ले ही लेते हैं, बेचारे ये ऐसे ही खड़े हुए थे, तो इनको भी हमने शूट कर लिया था. बाकी फिर और एट लास्ट मैं सीचने ब्रिज पे पहुंच गई थी. इसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन है सीचने, और आप इसको डैन्यूब ब्रिज भी बोल सकते हो, क्योंकि ये पहला ब्रिज था तो जो कि हंगेरी में बनाया गया था बुडा और पेश की साइड को कनेक्ट करने के लिए. ये एक कमाल का कंस्ट्रक्शन था जो इन्होंने किया था, और ये 1840 में बनाया गया था. तो इसके ऊपर दो लॉइन भी बिठाए हुए उन्होंने, उसका मकसद मुझे नहीं पता क्यों बिठाए हुए, लेकिन फ़िलहाल तो बिठाए हुए उन्होंने, दोनों तरफ बिठाए हुए. और ये पार्लियामेंट हाउस है, पार्लियामेंट बिल्डिंग भी कह सकते हो, ये नेक्स्ट टाइम आपको दिखाएंगे. फिलहाल जी अब बैटरी बिल्कुल डेड हो गया है, तो ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं. होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा. और सीन ब्रिज भी हमने देख लिया, हमें एक और जगह देखनी थी लेकिन मेरे पास बिल्कुल बैटरी डेड हो गई थी. नेक्स्ट टाइम मैं पावर बैंक कैरी करूँगी. और दैट्स इट, तो होपफुली आपको भी मज़ा आया होगा. अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करें. सो बाय बाय, टाटा.